नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी बीमारी में या कौन सी समस्या होने पर कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिस हिसाब से बीमारियां होती हैं उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स भी होते हैं जो उस चीज़ में विशेषज्ञता हासिल किए हुए रहते हैं। तो जिस बीमारी के जो विशेषज्ञ होते हैं वो उस बीमारी का उचित ढंग से इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सामान्य बीमारियों के बारे में। यदि आपको कोई सामान्य बीमारी है जैसे सर्दी, खांसी, उल्टी, दस्त, बुखार, तो उस कंडीशन में जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं या फिजिशियन होते हैं उनको आप दिखाइए, वो उन बीमारियों का इलाज करने में सक्षम होते हैं। यदि आपको बीपी, शुगर या थायराइड की बीमारी है तो उसके लिए आप जो एमडी मेडिसिन होते हैं, जो मेडिसिन में एमडी किए हुए रहते हैं उनको दिखाइए, वो उनका इलाज और मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपको हड्डी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, फ्रैक्चर वगैरह हो या जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों का किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में आप हड्डी रोग विशेषज्ञ या आर्थोपेडिक वाले डॉक्टर को दिखाइए। यदि आपको आँखों की बीमारी हो, आँखों में किसी प्रकार की समस्या हो, तो फिर आप थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए। नाक कान गले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो ENT स्पेशलिस्ट को आप दिखाइए। यदि आपको हार्ट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। यदि आपको पेट से संबंधित या आहार नाल से संबंधित कोई भी बीमारी हो जैसे पेप्टिक अल्सर, एसोफेगाइटिस, GERD, पाइल्स वगैरह, तो इन सब समस्याओं के लिए आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, जो पेट के विशेषज्ञ होते हैं, उनको दिखाइए, वो उनका अच्छे से उपचार करेंगे। यदि आपको किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। पेशाब तंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। वैसे यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता। यूरोलॉजिस्ट जो समूचे पेशाब तंत्र की समस्या है उसका इलाज करते हैं। यदि आपको किडनी की कोई विशेष बीमारी हो जैसे रीनल फेल्योर, नेफ्रोटिक सिस्ट, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह, तो उस कंडीशन में आप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएं, जो किडनी की विशेष बीमारी का इलाज करते हैं। यदि पुरुष रोग, यौन रोग संबंधी किसी प्रकार की समस्या हो तो फिर आप एंड्रोलॉजिस्ट को दिखाइए। जैसे सेक्स रोग वगैरह की समस्या हो तो उसका इलाज एंड्रोलॉजिस्ट करते हैं। यदि आपको फेफड़े से संबंधित कोई पुरानी बीमारी हो, कोई गंभीर बीमारी हो, तो आप चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए, फेफड़ा रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखाइए। यदि आपको दांतों से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी है तो डेंटिस्ट को दिखाएं। यदि नस की बीमारी हो जैसे कि साइटिका, न्यूराइटिस, न्यूरोपैथी, लकवा, हाथों पैरों में जलन होना इत्यादि बीमारी हो, पार्किंसन डिजीज वगैरह हो, या हाथ या पैर का आफिया फिरना, इस तरह की कोई भी प्रकार की समस्या हो, तो उसके लिए आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। यदि ऑपरेशन कराना हो, नसों में ब्लॉकेज हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, ब्रेन से संबंधित समस्या हो, तो आप फिर न्यूरोसर्जन को दिखाएं। महिलाओं को महिला अंगों से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो जैसे कि ल्यूकोरिया हो गया, महावारी से संबंधित बीमारियां हो गया, PCOD की समस्या हो, वेजेनाइटिस हो, सर्विक्सैटिस हो, फलोबियन ट्यूब में या यूट्रस में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो उसके लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। यदि बांझपन इत्यादि की समस्या हो तो उसके लिए IVF एक्सपर्ट को दिखाएं। यदि बालों या चमड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इसके लिए आप स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। यदि आपको ग्रंथियों से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी हो
तो फिर उसके लिए इंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास आप दिखाएं। यदि कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी हो तो उसके लिए ओंकोलॉजिस्ट को दिखाइए, ओंको सर्जन को दिखाइए। यदि आपको किसी प्रकार का मनोरोग हो तो उसके लिए साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं या फिर साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। यदि छोटे बच्चों को किसी प्रकार की बीमारी हो तो उसके लिए आप पीडियाट्रिशियन को दिखाएं, शिशु रोग विशेषज्ञ जिसको कहते हैं उनको दिखाएं। तो इस तरह से हमारे शरीर में होने वाली जो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, तो जब फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर के द्वारा कोई बीमारी ठीक नहीं हो पाता तो फिर हमें इन विशेषज्ञों के पास जल्दी से जाकर इलाज कराना चाहिए, जिससे वो इस बीमारी को अच्छे से समझ सकें और उस बीमारी से हमको जल्दी छुटकारा मिल सके। तो उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।